छत्तीसगढ़ में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आम आदमी तो क्या, अब प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी निशाना बनाने में खौफ नहीं खा रहे। क्या है मरवाई के तहसीलदार पर हुए हमले की पूरी कहानी जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। बेखौफ लुटेरों के हौसले बो रहे बुलंद, आम तो क्या आज को भी नहीं बख्शा। तहसीलदार को बनाया लूट का शिकार, 11,000 की नकदी लूट कर की मारपीट। छत्तीसगढ़ में बदमाशों की इतनी हौसले बुलंद है कि आम आदमी तो क्या सरकारी अफसरों को भी नहीं बख्श रहे। ऐसी एक वारदात पेंड्रा में दर्ज की गई, जहां अवैध रूप से रेत का खनन कर रहे बदमाशों ने तहसीलदार पर ही हमला कर दिया और रुपए भी लूट लिए। वारदात से सकते में आई मरवाही पुलिस केस की जांच में जुट गई है। शिकायत दिए हैं, जांच रखा गया है, साहब आएंगे तो बाइक देंगे। अच्छा, क्या शिकायत दिए हैं आपको? अच्छा, ये शिकायत सरपंच संघ क्या दिए हैं? जो शिकायत दिए हैं वो रखाया है, टीआई साहब आएंगे तो आप बाइक ले लीजिए। टीआई साहब सप्ताही के होगा। लूट का शिकार तहसीलदार टीटी मरकाम रेत माफियाओं पर छापामार कार्रवाई कर रहे बुल्ली डंडा पहुंचे थे, तभी सोन नदी से ट्रैक्टर में अवैध रेत भरने जा रहे खनन माफियाओं पर तहसीलदार की नजर पड़ गई। तहसीलदार ने जब बदमाशों को रेत खनन से रोकना चाहा तो बदमाश उन पर टूट पड़े और जमकर मारपीट की, साथ ही 11,000 रुपए की नकदी भी लूट कर फरार हो गए। जांच के परिपालन में वही लगभग 11 बजे के यहाँ से निकला था, पूरा क्षेत्र में जांच किया। गुलीरार के पास अर्जुन सिंह के द्वारा रेत परिवहन कर एमपी में बेचने के फिराक में थे, उसे गाड़ी को मैं ट्रैक्टर को जब्त किया। जब्त करके थाने में न खड़ी करवाने के लिए ला ही रहा था, उस समय उनके साथियों और अर्जुन सिंह के द्वारा ना मेरे को गाली गलौज किए, मारपीट किए और 11,000 रुपए का डकैती किए है। लूट लिया आपसे? लूट डकैती डकैती किए सर, 6-7 लोग थे। सर किस जगह घटना है? सर गुलीदार का। कितने लोग थे सर ये लोग एक साथ? 6 लोग अन्य थे और अर्जुन सिंह। सर जबकि लोग को मैं नहीं जान रहा हूँ, लेकिन इनको इन्होंने नाम अपना बताया। कुछ हम हमारे तरफ से अराई साहब भी थे, चौकीदार भी थे और ड्राइवर लोग भी थे। सर आपके साथ मारपीट हुई तो कहीं पर चोट वगैरह भी आई? सर हाँ, अंदरूनी चोट। अच्छा सर, गांव वाले इनका आरोप है कि पैसे की मांग की गई आपकी तरफ से, 5,000 रुपए, ऐसा कुछ लोगों ने आरोप लगाया है जो यहाँ पर शिकायत लेके आए हैं? नहीं, पैसे का कोई मांग नहीं किया गया है। मैं मेरे द्वारा बताया गया था कि हम लोग चलान करते हैं ट्रैक्टर को, फिर चलान के माध्यम से खनिज शाखा में जो भी रॉयल्टी पटाना पड़ता है, इसके बाद छूट जाता है गाड़ी। सर आज कुछ चलानी कार्रवाई हुई क्या? हाँ, एक ट्रैक्टर जब्त किया है। पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर FIR दर्ज करके जांच शुरू हुई की थी। अचानक मामले में एक नया मोड़ आ गया जब मरवाही थाने के जनपद सदस्य सरपंच पति भी पहुंच गए और तहसीलदार के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें तहसीलदार के खिलाफ ही ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगी गई और रुपए नहीं देने पर गाड़ी जब्त करा दी। मेरे पास ग्राम पंचायत का लिखित प्रमाण पत्र है कि मेरी जो ट्रैक्टर है वो परिवहन के लिए प्रधानमंत्री आवास परिवहन के लिए निर्धारित किया गया है और मैं अपने क्षेत्र में परिवहन का कार्य करता हूँ। वो नहीं माने, अगर आप नियम बताओगे बोले, मैं किसी समान सभा को नहीं जानता, मेरी अलग सभा है, अगर पैसा देना है तो दो, नहीं तो गाड़ी थाने में जाएगी। तो मजबूरन मैं बोला सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जो भी है मेरे पास है उसको रख लीजिए। तो बोले कितना है करके ऐसे उनका वो बोले तो 5,000 रुपया था सर, तो 5,000 को मेरे उनके द्वारा ले लिया। वही तो बालू चित्र लाए थे बहुत बाकी कुछ। अच्छा, बाकी कोई घटना नहीं हुई? चोट पड़ा साहब को, चोट लगा? कहाँ कहाँ चोट लगा? 15 चोट। अंदरूनी मतलब किस जगह पे? वहाँ पर जलपान के लिए रुके थे, वहीं पर आ गए तहसीलदार साहब, तो रुके और फिर ड्राइवर लोगों को गाली गलौज दे रहे थे, कौन ट्रैक्टर खड़ा किया है यहाँ, पेट भरा है, चोरी करते हैं। फिर एक मेरा ड्राइवर आया,
तुम हो गए इसे डर के बुला, और फिर वो फिर डर के मारे भागा तो दौड़ा रहे थे उसको मारने के लिए, वो गाली दे रहे थे। फिर वो मेरे को फ़ोन करके बताया, फिर मैं गया हूँ, फिर मेरे से पैसे डिमांड कर रहे थे, यहाँ बना लो आपस में तो सस्ते में बन जाएगा, और नहीं तो कलेक्टर साहब के पास से फिर 35,000 में बनेगा, और मरवाही जाओगे तो 25,000 में बनेगा, और अगर नहीं बनाओगे तो 10-15,000 में बन जाएगा। मैं कहा साहब मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, तो फिर आपके ऊपर है जैसा करिए। तो रुके थे 1.5 घंटा, फिर 5 में उतारू हो गए थे, 5 दे दो छोड़ देंगे। तो फिर मैं कहा मेरे पास नहीं है भैया पैसा। फिर रोहित पंडरिया भाई आए, तो उनसे फिर कभी कैसा आया वहीं पर तहसीलदार साहब रुके थे, फिर वो बेचारा दिया 5,000 रुपया, तो फिर उनका तो छोड़ दिया, वो मेरा ट्रैक्टर को ले आया मरवाही थाने। इस केस की जांच के दौरान एक तथ्य ये भी सामने आया कि तहसीलदार ने घटना का समय 2 बजे बताया, जबकि शिकायत शाम 5:30 बजे दर्ज की गई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जिला प्रशासन ने जांच के लिए अलग से टीम नियुक्त की है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। हवालात के बिलासपुर से स्वराज एक्सप्रेस की रिपोर्ट। हवालात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कहां नाबालिग से दरिंदगी के आरोपी को मिली पुलिस की शह, और कैसे पुलिस ने महज 6 घंटे में सुलझाई हत्या की गुत्थी।